ये जितने इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना लोग, जो इनकी वकालत करते हैं बड़े बड़े नेता, ये सब पैसे के कुत्ते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दिल्ली की जनता का विश्वास क्यों उठ रहा है बीजेपी से? देखिए, दिल्ली की जनता के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के करीब है, और उसमें क्या है कि यहाँ पर जो फ्री सर्विस वाले, जिनको फ्री चाहिए, फ्री की मांग करने वाले, फ्री करने वाले बहुत लोग पसंद करते हैं। और क्योंकि फ्री का चक्कर से केजरीवाल ने पंजाब में देखा, पंजाब में सरकार बनाई, आज उसकी क्या कंडीशन है आप सब जानते हो। और जो गुजरात में भी इन्होंने फ्री का लालच दिया था, वहाँ के लोगों ने साफ ठुकरा दिया था, मना कर दिया था कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ इनकी जमानत भी जब्त हो गई। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री माननीय बनेंगे, माने क्योंकि उन्होंने विकास किया है, रोजगार दिया है, शिक्षा में काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और हमारे यूपी में बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, और योगी जी कर रहे हैं। आप ये बताओ कि नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक इन्होंने ऐसे कौन से व्यापार चलाए कि इनके पास अरबों रुपया इकट्ठा पड़ा है? क्या एमपी की सैलरी इतनी होती है? ये सब लूट घसूट का पैसा है। ये जितने इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना लोग, जो इनकी वकालत करते हैं बड़े बड़े नेता, ये सब पैसे के कुत्ते हैं। नोटबंदी जब हुई थी तो कई गोदाम जल गए थे इनके, इसीलिए तो ये जले हुए हैं। अब ये बताओ साफ छवि का लाओगे, गुजरात में लाओगे? किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं है? मोदी ने किया था, तेरे पास कोई सबूत है, वीडियो है, साबित करता ना? नहीं है, यहाँ बकवास मत कर। मोदी को तुम कर रहे हो, ठीक है, सच्चाई हम बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा तू, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, झूठ बोल रहा है। हाँ, कहाँ, कौन कह रहा साफ है? गलत मत बोलना सुनो। 39.8% वोट मिला बीजेपी को, 41.2% आम आदमी पार्टी को मिला, और कांग्रेस को कितना मिला वो दिखा दो। राहुल गांधी जो भारत जोड़े यात्रा कर रहे, उस यात्रा का दिल्ली पे प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।